छतरपुर के राजनगर जनपद की धुरा ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। अनादि टीवी की टीम ने जब घुरा गांव का दौरा किया तो वहां टीम को जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिला। यहां पूर्व विधायक उमेश शुक्ला ने तालाब घाट का निर्माण कराया था, लेकिन आज यहां केवल कचरे का ढेर लगा हुआ है। तालाब किनारे दो कुओं का निर्माण भी कराया गया, जिसमें एक कचरे का ढेर बन गया है तो दूसरा टूटकर तालाब में ही जलमग्न हो गया है। इतना ही नहीं, यहाँ रहवासियों को पीएम आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है, जिसके चलते आज भी कई लोग आवास के अभाव में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव में बने सीसी रोड की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर जब जनपद सीईओ से बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साफ परेशानी यही है कि सरपंच की परेशानी है कि जी गंदगी है ना जी जी यहाँ से यहाँ तक तो मैं डेली साफ करता हूँ, मान के चलो मैं आम आदमी हूँ, लेकिन सरपंच का जे नियम होता है कि उसको गांव की पंचायत में देखना चाहिए कहाँ गंदगी है, कहाँ से जी बीमारी खत्म होगी, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई सैनिटाइजर नहीं यहाँ मालूम मिला है जनता को, ना कोई एक मास्क मिला है जनता को, चाहे कोरोना में मरे। आप ही सर, आप क्या ग्राम पंचायत के कामों से संतुष्ट हैं? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कुआ ये कैसे पूर गया? कम से कम 3 साल हो गया है। हाँ। 3 साल हो गया, डरा डरा सरपंच पे कई भी कह चुके। हाँ। अब वो बच्चा भी उसमें खत्म हो गया था। हाँ। अब नहीं बना है वो। अच्छा, ये तालाब से लगा हुआ कुआ है? कुआ है। कितने साल पहले बनाया गया था? 4-5 साल पहले बना था, 5 साल से बना था। भिसक कब गया? भिसक भिसक गया है यार, 2 साल हो गया है। अच्छा। हाँ। इसके लिए अभियंत्री और सहायक यंत्री मौके की जांच कर चुके हैं, उनका प्रतिवेदन आना शेष है। और जो प्रथम दृष्टिया पाया गया है कि वहाँ जो रोड है वो कुछ जगह उसकी जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है, तो उसकी वसूली और उसके संबंध में कार्रवाई जैसी प्रतिवेदन प्राप्त होता है उसके बाद रुकी जाएगी।